जनपद रुद्रप्रयाग के तल्ला नागपुर स्थित भगवान श्री तुंगेश्वर महादेव में शिवरात्रि पर्व सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ गई है। यहां भक्तों ने भगवान शिव से सुख समृद्धि के साथ साथ विश्व कल्याण की प्रार्थना की। बता दें कि तुंगेश्वर महादेव मंदिर में सैकड़ों गांवों का आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चोपता फलासी में स्थित भगवान तुंगेश्वर महादेव मंदिर 6वीं-7वीं शताब्दी का बताया जाता है, जो कि पांडव कालीन और शंकराचार्य कालीन मंदिर है। पौराणिक प्रचलित कथाओं के आधार पर पांडव गोत्र हत्या के पश्चात उत्तराखंड में आए थे। भगवान श्री तुंगेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने रात्रि में 108 मंदिर समूह का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में 11 से 12 मंदिर समूह ही रह गए हैं। भगवान तुंगेश्वर का ये मंदिर पंच तुंगनाथों में से एक है, जो कि केदार स्वरूप है, कतुबी शैली में बना है। पुजारी त्रिलोचन प्रसाद भट्ट ने कहा कि श्री तुंगेश्वर महादेव का बड़ा महत्व है। यहाँ पर शिवरात्रि को विशेषकर संतान की प्राप्ति के लिए दंपत्ति परिवार पूजा अर्चना करते हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मैं समस्त देशवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को शिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत बधाई और महादेव शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जैसे कि सभी को विदित है कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह को लेकर के यह शिवरात्रि महापर्व मनाया जाता है, और विशेषकर हमारे तल्ला नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत तलासी में भगवान श्री तुंगेश्वर का यह सिद्धपीठ या भव्य मंदिर इसी बात को लेकर के बहुत प्रचलित भी रहता है, क्योंकि भगवान का दूसरा नाम भुल्लेश्वर है और इस गांव का नाम जो तलासी पड़ा है वो भगवान के ही नाम से पड़ा है, और उसका उसकी मान्यता और उसका तात्पर्य यह है कि जो भी श्रद्धालु अपने जिस कामना से यहाँ पे आता है उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। जैसे पौराणिक मंदिर काल से यहाँ पर है, शंकराचार्य के द्वारा यह कराया गया था और पंच के आरोपी रूप में यहाँ पर स्थापित है। इसका नाम फलेश्वर भगवान इसलिए पड़ा कि फलदायी साबित होता है, और कम से कम आज के दिन में जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर के आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा सबका विश्वास है। यहाँ पर रात्रि में 4 पहर की जो पूजा होती है उसमें पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, मनोकामना प्राप्ति और विकार मुक्त होने के लिए भक्त यहाँ पे आते हैं, और भगवान परमेश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण करता है।